नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे FIs अपना माल बेच रहे हैं, और अगर ऐसे स्टॉक्स हमें मिल जाए जहां से FIs एग्जिट कर रहे हैं तो हमें कंसर्न हो जाना चाहिए कहीं मेरी पोजीशन ऐसे स्टॉक्स में तो नहीं है, क्योंकि FIs इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। FIs अगर किसी शेयर के पीछे पड़ जाए तो उसको कहीं से कहीं ले जाते हैं, बट अगर FIs किसी स्टॉक्स में बेचने में आ जाए तो वो स्टॉक कहीं भी जा सकता है। बट ये आधा ज्ञान है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। FIs एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, आपको मैंने हमेशा समझाया है। अगर FIs का माल प्रमोटर ले रहा है तो ठीक है, पर अगर FIs बेच रहा है और सिर्फ पब्लिक खरीदने में लगी है तो हमें भी उस शेयर से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं FIs की नॉलेज, FIs की टीम, FIs की कंसल्टेंट हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कहीं ज्यादा लर्नेड है, हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा कंक्रीट होती है, सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। हम तो उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं जो वेबसाइट के ऊपर छपी हुई है, हम वही, हमारे पास डेटा सोर्स हो कोई है नहीं, बट उनके पास डेटा सोर्स ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर ऐसे स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम भी एक खराब स्टॉक में पोजीशन बनाने से बच सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बच सकती है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टॉप के 5 स्टॉक्स हैं जिनमें से FIs निकल रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। मैं डेली मोटिवेट करता हूं अपने कंटेंट से। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत अगर मैं पसंद आता हूं तो एक लाइक दबा के मुझे अपना हां बता सकते हैं कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जिनमें से हमें शायद दूर रहना चाहिए। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि माल कहां से कहां जा रहा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये वो शेयर्स आपके सामने, अगर आपको इन शेयर्स का नाम पसंद आ गया ठीक है, आपको इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। बट अगर आप डिटेल एनालिसिस मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, क्योंकि पहला नाम है यहाँ पे जस्ट डायल, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो। दूसरा है सीक्वेंट, तीसरा है IEX, बहुत ही फेवरेट शेयर लोगों का। लोग मुझे मैसेज करें सर IEX के ऊपर वीडियो बनाइए, बनाएंगे इसके ऊपर भी, बन रही है, समझ लीजिए। इप्का लैब्स, PVR, ये वो शेयर्स हैं जहाँ पे FIs माल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? सितंबर में जहां जस्ट डायल में FIs की होल्डिंग 16% के आसपास थी, गिर के सिर्फ 3% रह गई है, 13% माल बेच दिया FIs ने। सीक्वेंट में जहां FIs की पोजीशंस 14% थी, वहीं दिसंबर के आते आते 6.42% आ गाइस। मैं दिसंबर डेटा की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मार्च क्वार्टर अभी आया नहीं है, मार्च 2022 अब जब आएगा तब हम इसको दोबारा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर बात की, यहां पे भी 6% इक्विटी बेची गई है, पहले 37.74% होल्ड करते थे, अब 31.01% के आसपास हो गया है। इप्का लैब्स की अगर बात की जाए तो यहां पे भी 6% के आसपास इक्विटी बेची गई है, 18.5% से गिर के 12.5% के आसपास का रह गया। PVR में भी इक्विटी बेची गई है, हो सकता है क्योंकि आज की डेट में जो भी मूवीज हैं वो सब के सब वेब सीरीज पे लॉन्च हो रही है, तो हो सकता है PVR को बिजनेस खराब दिखाई दे रहा हो, PVR का फ्यूचर खराब दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे FIs ने माल बेचा है। बट पूरी पोस्टमार्टम वीडियो के अंदर करेंगे। 37.83% से बढ़ के 31.9% रह गया है। चलिए अपने screener.in पे चलते हैं, फ्री की वेबसाइट आपको मालूम ही होगा, और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी डेटा एनालिसिस हमको करनी चाहिए। चलिए चलते हैं screener.in पे और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कंपनीज गुल खिला रही हैं। सबसे पहले आपकी फेवरेट जस्ट डायल, जस्ट डायल में क्या हो रहा है, जस्ट डायल कैसी कंपनी है सब आप जानते ही होंगे। 6980 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, कंपनी का पी काफी महंगा दिखाई देता है, इंडस्ट्री का पी 47 का है और स्टॉक का पी 84 का है। यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा ये दिखाई देता है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपीज के आसपास की दिखाई देती है और स्टॉक ट्रेड कर रहा 800 रुपए के आसपास में। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास में है, कंपनी का जो डेट था वो 76 करोड़ का था और कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ के आसपास में है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, कंपनी कैश रिच है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कंपनी के साथ में। बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है आप जानती है, जस्ट डायल कंपनी जो काम करती है वो आपके सामने है। जस्ट डायल इज द मार्केट लीडर इन लोकल सर्च इंजन सेगमेंट इन इंडिया। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अमिताभ बच्चन इसकी ऐड करते हैं, कुछ भी चाहिए आप 888888 पे फोन करते हैं। क्या है जस्ट डायल, कुछ भी चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी किसी के बारे में इंक्वायरी करनी है, आपके एरिया में वो सब चीजें हैं या नहीं है, मतलब कुछ भी है ना, पिन टू प्लेन आप यहाँ पे जस्ट डायल में सर्च कर सकते हैं। लोकल सर्च इंजन है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे है, एंड्रॉइड पे है, iOS पे है, मोबाइल वेबसाइट्स हैं इसकी, डेस्कटॉप वेबसाइट्स हैं, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ ये क्यों निकल रहे हैं FIs, क्या कहाँ जा रहे हैं, चलो देखने की कोशिश करते हैं। भैया माल जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, चलिए यहाँ पोल खुलती है असली। हमको आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहेगा, ये ध्यान रखना।
आधे ज्ञान से कभी कभी पैसा नहीं बनने वाला और आधा ज्ञान बहुत ही डेंजरस है। प्रमोटर अगर अपना माल बेचे और FIs भी अपना माल बेचने लगे तो बिना सोचे समझे उसमें से निकल जाइए, बहुत ही डेडली रेड सिग्नल है। यहाँ पे मार्च 2019 में जहाँ प्रमोटर के पास 33% इक्विटी हुआ करती थी, यहाँ पे आते आते सितंबर 2021 में 51% इक्विटी थी, देखिए बढ़ रही है। जून 2021 में 35% इक्विटी बढ़ाई, 35 से 51% हुआ, प्रमोटर अपना माल बढ़ा रहे, 51 को बढ़ा के प्रमोटर ने 77% किया। तो मतलब स्ट्रांग हैंड और स्ट्रांग हो रहा है, प्रमोटर एक स्ट्रांग हैंड है। FIs क्या करें, FIs ने अपना माल बेचा है, FIs एग्जिट करें 16% से 3%, समझिए। पर प्रमोटर तो बहुत तगड़ा माल बढ़ा रहा है। DIs म्यूचुअल फंड्स वाले क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ने अपना माल बेचा है, मतलब प्रमोटर अपनी इक्विटी बढ़ा रहा है, भाई ये अच्छा साइन है। पब्लिक के पास 22% था, पब्लिक ने भी माल बेचा है, पब्लिक घबरा रही है जसएल के अंदर में। यहाँ पे बड़ा कौन है, स्ट्रांग हैंड से स्ट्रांग हैंड में जा रही हैं पोजीशंस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला शेयर कौन सा है, उसमें क्या खेल समझ में आ रहा है, माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखते हैं। अगली कंपनी है सीक्वेंट, चलिए सीक्वेंट को देख लेते हैं। सीक्वेंट करती क्या है हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ जाएंगे और ज्ञान बटोरने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, लगता है नाम से ही साइंस की कोई कंपनी है। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एनिमल फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है जी, एनिमल फार्मास्यूटिकल्स बना दी कंपनी, 4,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी का पी थोड़ा महंगा दिखाई देता है, पर कोई बात नहीं, अपना अपना सेगमेंट है, अपना अपना धंधा है, अपना अपना बिजनेस है। कंपनी के पास 64 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कैश इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं और पिछले प्रीसीडिंग ईयर में 343 करोड़ के आसपास का डेट था, बट कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, मैनेजेबल है, इतना भी खास बुरा नहीं है। अब यहाँ पे हो कह रहा है, माल कौन लेके जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो देखने की कोशिश करते हैं, चले इन्वेस्टर्स के पास और यहाँ समझ में आएगी असली कहानी। भाई प्रमोटर के पास तो माल 53% था, अभी भी 53%, थोड़ा सा प्रमोटर ने माल बेचा है ना। FIs क्या कर रहे हैं, FIs ने भी माल बेचा है 14 से 6%। ले कौन रहा है, पब्लिक खरीद रही है भैया, 29 से 37 हो गया, थोड़ा सा DIs ने खरीदा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के माल जा रहा है वीक हैंड्स के अंदर में। तो मेरे हिसाब से मैं इस शेयर को नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा इसकी वैल्यूशंस और सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर तो माल बेच ही रहा है, FIs भी धड़ल्ले से माल को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ये शेयर मेरी नज़र में मेरे पैरामीटर्स पे क्वालिफाई नहीं करता, कोई और पैरामीटर्स होंगे, कोई और न्यूज़ होंगी तो देखने की कोशिश करेंगे, बट एज ऑन डेट ये चीज़ मेरे सेगमेंट से बाहर हो जाती है, तो मेरी पोजीशन इसमें नहीं बनने वाली। अगर मेरे पास ये शेयर होता तो मैं इसको अभी हाल के हाल बेच देता, तो मेरा पर्सनल व्यू है, आपका अपना व्यू मुझसे डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट शेयर देखते हैं कौन सा है। अगला शेयर आपका हमारा फेवरेट, बहुत सारे मैसेज आए हैं सर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर, बताइए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या करती है। ये तो भैया आपको सबको मालूम ही है, ये कंपनी एक्सचेंज करती है, पावर एक्सचेंज है इसके पास में, है ना, बिजली का आदान प्रदान, जो आप कह सकते हैं बिजली की एक्सचेंज है, यहाँ पे सारी बिजलियाँ बेची खरीदी जाती हैं, है ना। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, 19,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक काफी थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है, 25 के बदले में इंडस्ट्री जहां 25 पे है वहीं स्टॉक काफी 69 पे है। ROC बहुत ही शानदार, ROE बहुत ही शानदार, कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की 13% के आसपास मेंटेन है, और अगर कंपनी के डेट की बात की जाए तो 13 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था, इक्विवेलेंट है 166 करोड़ के, कंपनी डेट फ्री है भैया। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई शक नहीं है, एकमात्र मोनोपोली कंपनी है और आने वाला फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा ब्राइट। तो हो कह रहा है माल बेच क्यों रहे हैं लोग, FIs क्यों निकल रहे हैं, FIs निकल रहे तो जा का रहा है, माल देखने की कोशिश करते हैं भैया। भाई FIs ने माल बेचा 37% से 31% के आसपास रह गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी माल बेच रहे हैं, पब्लिक माल खरीद रही है, पब्लिक के पास माल ज्यादा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। मैं इसकी वैल्यूएशंस को थोड़ा हल्का होने की वेट करूंगा, देखूंगा कि अच्छे भाव पे मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो कोल पावर है, जो फॉसिल पावर है, ठीक है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक घाटा दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे जब सोलर एनर्जी की भी ट्रेडिंग होने लग जाएगी, ग्रीन एनर्जी की भी ट्रेडिंग होने लग जाएगी, तो यहाँ पे और बड़ा खेल होगा। पर जब तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है जो हमारी फॉसिल फ्यूल से आती है, कोल एनर्जी से आती है, तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा अलार्मिंग है। तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे FIs तो माल बेच ही रहे हैं, साथ में
डीआईएसवी माल बेचा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलार्मिंग है, तो मैं इसको एक बार के लिए दरकिनार करूंगा, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, बढ़िया वीडियो बनाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं अभी इसको, क्योंकि मोनोपोली है, बढ़िया कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, तो यहाँ पे एकदम से इसको नकार देना सही नहीं होगा। नेक्स्ट शेयर देखने की कोशिश करते हैं कौन सा इस लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट शेयर है यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में इप्का लैब्स। चलिए इप्का लैब्स क्या कर रही है देख लेते हैं, इप्का लैब्स कैसी कंपनी है और इप्का लैब्स के ऊपर में क्या खेल बन रहा है। 24,000 करोड़ की कंपनी, बेहतरीन कंपनी, कंपनी का आरओसी 30% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3%, 1 रुपए की फेस वैल्यू है कंपनी की, फ्री कैश फ्लो दिखा है तो 1330 करोड़ के आसपास का, पिछले साल का जो डेट था वो 501 करोड़ के आसपास का, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास के, तो कंपनी डेट फ्री है, डेट फ्री कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है। इप्का लेबोरेटरीज क्या बनाती है, फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, ये आप सबको मालूम है, ठीक है ना। बेसिकली अब यहाँ पे खेल क्या है, कहाँ से माल कहाँ जा रहा है, ये देखना बड़ा जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन बेच रहा है, कहाँ जा रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, प्रमोटर्स आर नॉट सेलिंग 46.29%, इट इज मेंटेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी टाइम से मेंटेन है। एफ आईज बेच रहे हैं, डी आई आईज खरीद रहे हैं, जी हाँ, और सरकार ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, पब्लिक के ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुई है वो डी आई आईज की तरफ से हुई है, इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रहे हैं, तो ये भी अगर देखें तो इंस्टीट्यूशंस जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो अपनी पोजिशंस को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको अपनी लिस्ट में बढ़ रख सकता हूँ, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, 6% के आसपास की इक्विटी एफ आईज बेच रहे हैं और यहाँ पे जो डी आई आईज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे इसमें कोई ज़्यादा खास टेंशन दिखाई नहीं देती। वैल्यूएशंस देखने होंगे आगे, जब भाव सही मिलेंगे तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, PVR, माहौल खुल गया है, पब्लिक सड़कों पर आ रही है, पब्लिक घर में वेब सीरीज देख के बोर हो गई है, तो हो सकता है PVR में मूवीज देखने का शौक लोगों को, भाई मुझे तो है, मैं तो जाना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ में मूवीज देखना हॉल के ऊपर में, कब तक जाके उस घर के टीवी पे हम मूवीज देखते रहेंगे, कोई बात नहीं, हमें भी बाहर निकलने का मूड है, वो पॉपकॉर्न का बकेट हम सबको खाने का मूड है। कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा, भाई 5,000 करोड़ के आसपास का डेट है पिछले साल में, और कंपनी की सेल्स तो गिरी ही गिरी है, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ही खतरनाक है पिछले 5 साल की, ये बहुत ही अलार्मिंग है, इसलिए वहाँ से माल शायद बिक रहा है और कैश इक्विवेलेंट खाली 800 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन खराब दिखाई देती है। और अच्छे से देख लेते हैं कि भाई इसका माल कौन खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रमोटर के पास माल है ही नहीं, देखो 17% के आसपास प्रमोटर माल बेच के खरीद के बैठा है टोटल। पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास 19-22% इक्विटी हुई है, एफआईएस ने अपनी इक्विटी बेची है 37% से 31.9%, और डीआईएस थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, तो प्रमोटर तो नहीं बढ़ा रहा, एफआईएस घटा रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और पब्लिक ने भी थोड़ा सा बढ़ाया, तो मैं अभी इससे स्टे अवे करना चाहूंगा, आई विल स्टे अवे फ्रॉम PVR। अभी मैं घर पे बैठ के ही मूवी देखना पसंद करूंगा, मेरा डिसीजन चेंज हो गया, मैं पॉपकॉर्न घर में खाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जाके पॉपकॉर्न खाऊंगा तो हो सकता है थोड़े महंगे पड़े। और गाइस ये था मेरा एनालिसिस ऐसी 5 कंपनीज को लेके जहाँ पे एफआईज अपना माल बेच रहे हैं। आई होप ये एनालिसिस आपके काम आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो भी डिसलाइक कर सकते हैं, बट कीजिएगा जरूर, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, तभी हम डेली किसी ना किसी वीडियो के थ्रू मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय, जय हिंद।